ओके तो मतलब 100 एपिसोड कंप्लीट हो गया है, किस तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या फीलिंग है, पहले ये बताइए। फीलिंग तो बहुत अच्छी है, अभी 100 नहीं, अभी 1000 एपिसोड पूरे करने हैं हमें। वो होता ना शादी के बाद फिर बच्चे की होती है टेंशन कि कब करना है ये वो, अभी शादी हो गई 100 एपिसोड हो गए, मतलब अभी बेबी का प्लान करना है कि 1000 एपिसोड कब करें, और मुझे लगता है बहुत जल्द हो जाएंगे क्योंकि बच्चे इतना पसंद करते हैं हमारे शोज़ को, और जो भी नया सेलिब्रिटी आता, जैसे आज मीत ब्रदर्स आए थे, उनको बहुत मज़ा आया। वरना जैसा गीला होना, मतलब उछलना कूदना होता है तो लोग डर जाते हैं, लेकिन जब आके करते हैं तो उनको बहुत फन लगता है, और बहुत फ़नी और बहुत फ़नी फ़नी गेम्स है, लोगों को बहुत मज़ा आता है करने में। मतलब अगर आप टीवी में देखो तो आपको लगता है अरे यार गेम तो थोड़ी मेरे को डेंजर लग रही है, अरे इसमें गिर जाऊंगा ये होगा, बट जैसे ही आप गेम का एक राउंड खेलते हो ना आपको इतना मज़ा आता है। आप मतलब जैसे मनमीत पाजी ने कहा कि यार ऐसे शो में पैसे दे के आना चाहिए, तो गुजराती है ना, इकट्ठा करते ही रहते हैं बिजनेस। अपने पनी और वेयर जो सजाएं मिलती है पनी गेम्स होते हैं, कहाँ से इतने आइडियाज लाते हो और कितना से इंस्पिरेशन मिलते हैं, जानना चाहिए। ये एक्चुअली इंस्पिरेशन हम लोग क्या क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत टाइम, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं बहुत टाइम तक प्रिपेयर कर रहा था कि शो कैसा बनाए क्या बनाए, ये तो शो अपने आप ही बन गया इतना अच्छा, बट हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ थे तो हम लोग पुराने पुराने पिटारे में से कुछ ना कुछ आइडियाज़ निकालते हैं। ऑल्सो जब आप रोज़ एक ही चीज़ कर रहे हो, 24 घंटे हमको सिर्फ गेम सोचना है, 24 घंटे हमको सिर्फ खतरा खतरा के बारे में सोचना है, तो उस दौरान आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं क्योंकि सारी एनर्जी एक ही शो में लगती है। मेरी एनर्जी लगी हुई इसलिए मैं चुप हूँ, लेकिन सच में मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। आज मैं जब सुबह उठी मैंने हर्ष को कितनी सारी पप्पियाँ दी, मैं कितना कितना का शूट है, मतलब बहुत मज़ा आता है, ऐसे ऐसे नहीं लगता कि बहुत थक रहे हैं ये वो हो रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक एक्साइटेड गेम होती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। हालाँकि मैं बहुत अपने पैर की वजह से बहुत कम गेम करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो मैं पूरा अपना टिका के करती हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आता है। और आप सब इतना प्यार दे रहे हो, जो जनता है और बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं, कहते ना कि फैमिली में वो मेंबर पकड़ लो जिसकी सब मानते हैं, तो हमने बच्चे पकड़ लिए हैं। अब चाहे क्रिकेट लगा हो चाहे डेली शो, बच्चे बोलते हैं देखना ही देखना है तो फिर खतरा खतरा देखते हैं। वरना जो टाइम स्लॉट है इसका, हम बहुत डर गए थे कि अरे शाम का टाइम स्लॉट है 6:30 बजे का, तो लोग घर नहीं पहुँच पाते, लेकिन अगर घर नहीं पहुँच पाते तो इतनी अच्छी TRP है, कहीं पहुँच गए घर जल्दी तो फिर क्या होगा, इसीलिए हमने 6:30 बजे, आप भी पहुँच जाना जल्दी इंटरव्यू लेके, है ना। सेलिब्रिटीज को मनाना किस तरह से एक अप्रोच होती है इस शो के लिए, किस तरह से एक अप्रोच होती है गेम खिलाने के लिए और उनको एक बिल्कुल आजकल तो मतलब इतनी मेहनत नहीं लग रही, पहले जब नया शो था तब अप्रोच करने में और बताने में एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता था, अभी इतना हिट हो गया और लोग फैंस हो गए, यार हम बड़े फ़ैन हैं, मेरी बेटी ये देखती है, मेरा बेटा देखता है, तो खुद से ही वो आ जाते हैं, सो इतनी प्रॉब्लम अभी नहीं होती। लास्ट ये है कि बाहर बारिश हो रही है और जितनी जल्दी हो सके कैमरा लपेट के आप लोग निकल जाइए, क्योंकि मैंने देखा था इसीलिए मैंने चप्पल में हूँ मैं, तो आप भी जाइए क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर प्रेस रिपोर्टर आई है पिंक लिपस्टिक लगा के। सो थैंक यू गाइस, और इतना प्यार देने के लिए, जल्दी 1000 एपिसोड करने के बाद फिर से आप ऐसे नीचे बैठना, तुम इस साइड जुड़ा करके बैठना, फिर से आपको एक मज़ेदार मसालेदार इंटरव्यू देंगे, है ना बेबी। 100% हम लोग एक्चुअली तो यहाँ हमारे एमी म्यूजिक पे नए रोमांटिक सॉन्ग्स आ रहे हैं बैक टू बैक दो, उसको प्रमोट करने आए थे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इट्स गोना बी सो मच फन, इतना मज़ा तो मतलब हमने लास्ट कितने महीनों में ऐसी मस्ती करी नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके का हमने गाना बनाया, अभी वेरी अनलाइक आर पार्टी सॉन्ग बिबडोल चिटे के लाई है, हम लोगों ने गाना बनाया है आवारा शाम, जो कि बहुत रोमांटिक है, तो जिस तरीके का वो रोमांटिक गाना है, स्लो टेम्पो है, यहाँ जो इस सेट पे जो एनर्जी और जो टेम्पो था वो अलग ही था, हमारी म्यूजिक लैंग्वेज में टेम्पो कहते हैं स्पीड को, तो वो जो यहाँ एक मस्ती हुई धमाल हुआ, हमारा जो एक मंडेन रूटीन होता है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ आर लाइफ, बिकॉज खतरा खतरा भी था और मस्ती भी थी, धमाल भी था, लाफ्टर भी था, पार्टी कीप्स मेकिंग यू लाफ, इट्स अमेजिंग। किस तरह का स्टंट्स आप लोगों ने परफॉर्म किया, अगर अभी तक कुछ किया? सूखे सूखे आए थे, गीले गीले जा रहे हैं, कुछ बचा नहीं है यार, वी हैव टू जस्ट गो एंड चेंज नाउ, इट्स वी आर ऑल वेट, मजा आ गया, पूरा एडवेंचरस हमारा एक उस्ताद है, इसमें हम लोग बॉल की तरह ऐसे स्लाइड करते हुए गए और वहाँ काफ़ी एडवेंचरस था, डेंजरस था हमारे लिए, कि हमने कभी ये सब कुछ करा नहीं है। बॉलिंग बहुत करी है, लेकिन ये नहीं कभी सोचा था लाइफ में कि हम ही पिन बन, हम ही बॉल बन जाएंगे और हमको अपने सिर से पिन चुनानी पड़ेगी, सो इट्स डैम गुड फन। एंड यूजली
म्यूजिक डायरेक्टर्स को बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जाके आप खुद जाके ऐसे पार्टिसिपेट करो. सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस. एंड वी वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट दिस शो. दे हैव कम्प्लीटेड 100 एपिसोड्स एंड मंडे टू फ्राइडे 6:30 आता है, तो मैं भी देखूंगा. और सारे बच्चों का सुना बहुत फेवरेट शो है. सो आर बेस्ट विशेज, मीन ब्रदर्स की बेस्ट विशेज. भारती हर्ष एंड एंटायर टीम, सबको बहुत बहुत बधाई हैं. 100 एपिसोड कुछ भी नहीं है अभी, तो आगे जीरो बढ़ते जाएंगे. और हमारे हमारे जितने भी गाने आ रहे हैं MB म्यूजिक पे, उस पर आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस शो के जो व्यूअर्स हैं हमारे गानों के साथ मिक्स हो जाएं. थैंक्स टू द मीडिया. थैंक यू, थैंक यू सो मच. ओके, तो 100 एपिसोड कंप्लीट हो गया, इस तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या फीलिंग है पहले ये बताइए. फीलिंग तो बहुत अच्छी है. अभी 100 नहीं, अभी 1000 एपिसोड पूरे करने हैं हमें. वो होता ना शादी के बाद, फिर बच्चे की होती है टेंशन कि कब करना है ये वो. अभी शादी हो गई, 100 एपिसोड हो गए, मतलब अभी बेबी का प्लान करना है कि 1000 एपिसोड कब करें. और मुझे लगता है बहुत जल्द हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे इतना पसंद करते हैं हमारे शोज़ को. और जो भी नया सेलिब्रिटी आता, जैसे आज मीत ब्रदर्स आए थे, उनको बहुत मज़ा आया. वरना जैसा गीला होना, मतलब उछलना कूदना होता है तो लोग डर जाते हैं, लेकिन जब आके करते हैं तो उनको बहुत फन लगता है. और बहुत फ़नी और बहुत फ़नी फ़नी गेम्स है, लोगों को बहुत मज़ा आता है करने में. मतलब अगर आप टीवी में देखो तो आपको लगता है अरे यार गेम तो थोड़ी मेरे को डेंजर लग रही है, अरे इसमें गिर जाऊंगा, ये होगा. बट जैसे ही आप गेम का एक राउंड खेलते हो ना, आपको इतना मज़ा आता है. आप मतलब जैसे मनमीत पाजी ने कहा कि यार ऐसे शो में पैसे दे के आना चाहिए, तो गुजराती है ना, इकट्ठा करते ही रहते हैं बिजनेस. अपने पनी और वेयर जो सजाएं मिलती है, पनी गेम्स होते हैं, कहाँ से इतने आइडियाज लाते हो और कितना से इंस्पिरेशन मिलते हैं, जानना चाहिए. ये एक्चुअली इंस्पिरेशन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत टाइम, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं बहुत टाइम तक प्रिपेयर कर रहा था कि शो कैसा बनाए, क्या बनाए. ये तो शो अपने आप ही बन गया इतना अच्छा. बट हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ थे, तो हम लोग पुराने पुराने पिटारे में से कुछ ना कुछ आइडियाज़ निकालते हैं. ऑल्सो जब आप रोज़ एक ही चीज़ कर रहे हो, 24 घंटे हमको सिर्फ गेम सोचना, 24 घंटे हमको सिर्फ खतरा खतरा के बारे में सोचना, तो उस दौरान आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी एक ही शो में लगती है. मेरी एनर्जी लगी हुई इसलिए मैं चुप हूँ. लेकिन सच में मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ. आज मैं जब सुबह उठी, मैंने हर्ष को कितनी सारी पप्पियाँ दी, मैं कितना कितना का शूट है. मतलब बहुत मज़ा आता है, ऐसे ऐसे नहीं लगता कि बहुत थक रहे हैं, ये वो हो रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक एक्साइटेड गेम होती है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है. हालाँकि मैं बहुत अपने पैर की वजह से बहुत कम गेम करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो मैं पूरा अपना टिका के करती हूँ. लेकिन बहुत मज़ा आता है, और आप सब इतना प्यार दे रहे हो, जो जनता है और बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं. कहते ना कि फैमिली में वो मेंबर पकड़ लो जिसकी सब मानते हैं, तो हमने बच्चे पकड़ लिए हैं. अब चाहे क्रिकेट लगा हो, चाहे डेली हो, बच्चे बोलते हैं देखना ही देखना है, तो फिर खतरा खतरा देखते हैं. वरना जो टाइम स्लॉट है इसका, हम बहुत डर गए थे कि अरे शाम का टाइम स्लॉट है 6:30 बजे का, तो लोग घर नहीं पहुँच पाते. लेकिन अगर घर नहीं पहुँच पाते तो इतनी अच्छी TRP है, कहीं पहुँच गए घर जल्दी तो फिर क्या होगा. इसीलिए हमने 6:30 बजे, आप भी पहुँच जाना जल्दी इंटरव्यू लेके, है ना. सेलिब्रिटीज को मनाना किस तरह से एक अप्रोच होती है इस शो के लिए, किस तरह से एक अप्रोच होती है गेम खिलाने के लिए और उनको एक बिल्कुल. आजकल तो मतलब इतनी मेहनत नहीं लग रही, पहले जब नया शो था तब अप्रोच करने में और बताने में एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता था. अभी इतना हिट हो गया और लोग फैंस हो गए, यार हम बड़े फ़ैन हैं, मेरी बेटी ये देखती, मेरा बेटा देखता, तो खुद से ही वो आ जाते हैं. सो इतनी प्रॉब्लम अभी नहीं होती. लास्ट ये है कि बाहर बारिश हो रही है, और जितनी जल्दी हो सके कैमरा लपेट के आप लोग निकल जाइए, क्योंकि मैंने देखा था, इसीलिए मैंने चप्पल में हूँ मैं, तो आप भी जाइए, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर प्रेस रिपोर्टर आई है पिंक लिपस्टिक लगा के. सो थैंक यू गाइस, और इतना प्यार देने के लिए. जल्दी 1000 एपिसोड करने के बाद फिर से आप ऐसे नीचे बैठना, तुम इस साइड जुड़ा करके बैठना, फिर से आपको एक मज़ेदार मसालेदार इंटरव्यू देंगे, है ना बेबी. 100% हम लोग एक्चुअली तो यहाँ हमारे MB म्यूजिक पे नए रोमांटिक सॉन्ग्स आ रहे हैं बैक टू बैक दो, उसको प्रमोट करने आए थे. लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इट्स गोना बी सो मच फन. इतना मज़ा तो मतलब हमने लास्ट कितने महीनों में इसी मस्ती करी नहीं है. जी हाँ, जिस तरीके का हमने गाना बनाया, अभी वेरी अनलाइक आर पार्टी सॉन्ग बिबडोल चिटे के लाई है, हम लोगों ने गाना बनाया है आवारा शाम, जो कि बहुत रोमांटिक है. तो जिस तरीके का वो रोमांटिक गाना है, स्लो टेम्पो है, यहाँ जो इस सेट पे जो एनर्जी और जो टेम्पो था वो अलग ही था. हमारी म्यूजिक लैंग्वेज में टेम्पो कहते हैं स्पीड को,
तो वो जो यहाँ एक मस्ती हुई धमाल हुआ, हमारा जो एक मंडेन रूटीन होता है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ आर लाइफ, बिकॉज खतरा खतरा भी था और मस्ती भी थी, धमाल भी था, लाफ्टर भी था, पार्टी कीप्स मेकिंग यू लाफ, इट्स अमेजिंग। अच्छा, किस तरह का स्टंट्स आप लोगों ने परफॉर्म किया अगर अभी तक कुछ किया? सूखे सूखे आए थे, गीले गीले जा रहे हैं, कुछ बचा नहीं है, वी हैव टू जस्ट गो एंड चेंज नाउ, इट्स वी आर ऑल वेट। मजा आ गया, पूरा एडवेंचरस हमारा एक उस्ताद, इसमें हम लोग बॉल की तरह ऐसे स्लाइड करते हुए गए और वहाँ काफ़ी एडवेंचरस था, डेंजरस था हमारे लिए, कि हमने कभी ये सब कुछ करा नहीं है। बॉलिंग बहुत करी है लेकिन ये नहीं कभी सोचा था लाइफ में कि हम ही पिन बन, हम ही बॉल बन जाएंगे और हमको अपने सिर से पिन चुनानी पड़ेगी। सो इट्स डैम गुड फन। एंड यूजली म्यूजिक डायरेक्टर्स को बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जाके आप खुद जाके ऐसे पार्टिसिपेट करो, सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। एंड वी वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट दिस शो, दे हैव कम्प्लीटेड 100 एपिसोड्स एंड मंडे टू फ्राइडे 6:30 आता है तो मैं भी देखूंगा और सारे बच्चों का सुना बहुत फेवरेट शो है। सो आर बेस्ट विशेज, मीत ब्रदर्स की बेस्ट विशेज, भारती हर्ष एंड एंटायर टीम, सबको बहुत बहुत बधाई हैं। 100 एपिसोड कुछ भी नहीं है अभी, तो आगे जीरो बढ़ते जाएंगे, ऑल बेस्ट। और हमारे हमारे जितने भी गाने आ रहे हैं MB म्यूजिक पे, उस पर आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस शो के जो व्यूअर्स हैं हमारे गानों के साथ मिक्स हो जाएँ। थैंक्स टू द मीडिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।